जो होना होगा होगा वही सोच के तू क्या पाएगा, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, कल के लिए आज खोना खोना आज ये न कल आएगा, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं वाईपी सिन्हा प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज जन्माष्टमी है, कृष्ण जी का जन्म हुआ है। जन्माष्टमी इसलिए कहा गया कि भाद्र के अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिए कृष्ण जी, इसलिए वो कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। कृष्ण जी गीता में लिखे हैं, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। जन्माष्टमी मुबारक आप सबको, एक बार फिर से मेरे शुक्रिया नमस्कार। आज मैं फिर एक अर्थार्थ लेकर के आपके सामने आया हूं। दोस्तों, आप हमेशा ये बात करते हैं, मैं बहुत तनाव में हूं, मेरे ऊपर काफी लोड है, मैं अपने परिवार के लिए अपना सब कुछ नष्ट कर दिया, मेरी जिंदगी बेकार है, मैं कुछ कमा नहीं पाया, मैं लोगों को परवरिश में अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। ऐसा तनाव, ऐसी चिंताएं, ऐसी व्यथा आप क्यों बोलते हैं? आपने कभी सोचा है? आपने नहीं सोचा है। क्यों? कि आज के युग में कोई भी व्यक्ति गुरु को नहीं मानता है। जो गुरु मानता है उसके सामने ये सवाल नहीं आती है। आज के डेट में हर व्यक्ति अपने को गुरु मानता है और अपने को बड़ा मानता है, दूसरों को सम्मान नहीं देना चाहता है। अब भी बताएं, जो बड़ों को सम्मान देते हैं उन्हें ये समस्या नहीं आती है। क्यों? कि उनको रास्ता दिखाने वाले मिलते हैं। दोस्तों, आपके पास इतनी सारी समस्याएं, आपने कभी अपनी समस्या को किसी के पास शेयर किया? हैव इट सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स? नो, क्योंकि आप अपनी समस्या खुद लेकर कैरी करते हैं। अगर आपके पास ज्ञान है तो समस्या नहीं आएगा, अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। जीवन में संतुष्ट होना सारी समस्याओं का निदान है। लोगों के प्रति निष्ठा भाव रखना सभी समस्याओं का समाधान है। जो व्यक्ति अपने लिए जीते हैं उनके पास बहुत सारी समस्याएं आते हैं। क्यों? कि वो अपने लिए जीते हैं, दूसरों को हमेशा अच्छा नहीं देखे। जो दूसरों के लिए जीते हैं उनके लिए पूरे संसार बराबर है। अब जिसके लिए संसार इक्वल है उनके पास समस्या नहीं होगा। इस अर्थार्थ को आपको स्वीकार करना चाहिए। और अगर आपके पास समस्या है तो अपनी सारी समस्याओं को अपने बड़ों, अपने गुरु, अपने पूर्वजों के पास ये रखें, वो आपको कुछ रास्ता देंगे। जब आदमी को रास्ता मिलता है वो लीड करता है, वो समस्याओं का समाधान करता है। अब आप शेयर नहीं करेंगे, आपको रास्ता नहीं मिलेगा, आपको रास्ता नहीं मिलेगा, आप समस्या में ही रहेंगे। अपने बच्चों के लिए ही सोचेंगे, दूसरों को बच्चों आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप एक बिस्किट खरीदेंगे तो लगेगा मैं पहले अपने बच्चे को दूं, दूसरा को नहीं दूं। ऐसी भावना रखने वाले व्यक्ति के पास सिर्फ समस्या होता है, समाधान नहीं होता। समस्या का समाधान का एक ही कारण है कि आप दूसरों के लिए जीना आज से शुरू कर दें, आपकी सारी समस्याएं
खत्म हो जाएगी। स्वार्थ को अपने मन से हटा दें, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। संसार के सही ग्रोथ को, संसार को सही दिशा वाले, दिशा देने वाले व्यक्ति को, संसार को सही भाव देने वाले व्यक्ति को अपना गुरु जरूर माने, उसकी हर टिप्पणी पढ़ें, उसकी विकास की चर्चाएं होती है, वो विकास कैसे किया उसके बारे में पढ़ें, अध्ययन करें और अपने गुरु का हमेशा ख्याल रखें, उनसे हमेशा आशीर्वाद लें, अच्छे रास्ता लीड कराएं, समस्या आपके पास नहीं आएगी। हर व्यक्ति के पास पैसे के अभाव है, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके पास भी कमी है, जिसके पास बिल्कुल नहीं है उसको भी कमी है। अब है कि हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, अब हम उसको कैसे पाए। बहुत पैसा आपके पास है, आपके पास अनवांटेड सामान है, आप पैसे के लिए दौड़ रहे हैं, फिर भी आप असंतुष्ट हैं। जिसके पास पैसा नहीं है वो भी दौड़ रहा है, वो भी संतुष्ट नहीं है। हम लोग सिर्फ दो रोटी खाते हैं, पैसा हम लोग नहीं खाते हैं। पैसा से प्रतिष्ठा नहीं मिलता है, ज्ञान से प्रतिष्ठा मिलता है। ज्ञान ही प्रकाशमय है, पैसा प्रकाशमय नहीं है। अगर किसी को पुराना बीमारी हो जाए, जटिल बीमारी हो जाए, तो क्या पैसा समाधान देगा? नहीं देगा। क्यों? कि पैसा से बीमारी खत्म नहीं होती है, वो मन के अंदर जो व्यथा है वो बीमारी को क्रिएट करता है। जब तक व्यथा है आदमी रोगी होगा, व्यथा खत्म हो जाएगा आदमी हैप्पी होगा। ये चीजों आज से छोड़े और दूसरों को जीना शुरू करें। दोस्तों, आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर इसको पालन करें और आगे बढ़ें। जय श्री कृष्ण। और मेरे चैनल को बिल्कुल शेयर करें, लाइक करें, बेल जरूर दबाएं।